ये काफी आरामदायक है। बाऊ, ए बाऊ। क्यों माँ? हाथ में ये टिफिन लेके कहाँ जा रही है? फिर से स्कूल में पास होने? ये शुरवरी जी के पास लेके जा रही हूँ, उनका डब्बा है, उन्होंने रसगुल्ले दिए थे इसमें। लाओ मैं देता हूँ। क्या जरूरत है, मैं जा रही हूँ ना, चुप चुप खुड़ रही है वहां पे। काम ना काज के मैं जाता हूँ। ए सुन, क्या है? अभी जाएगी ना मिस ब्यूटीफुल के पास, उससे रसगुल्ले की रेसिपी लेके आ। क्या बनाती है वो रसगुल्ले? हाँ, क्या बनाती है वो रसगुल्ले, उनके हाथों में तो जादू है। नहीं नहीं ससुर माँ, आप हर बार शर्वीर जी को इतना एक्सपर्ट क्यों समझती है? रसगुल्ले घर पे मैं भी बनाती हूँ। तो रसगुल्ले नहीं बनाती बहू, उसको रसमलाई कहते हैं। अरे सब पानी पानी हो जाता है, रसगुल्ला कैसा चाहिए ऐसा गोल गोल, तेरा सब पिघल जाता है, पता नहीं क्या करती है वो। कुछ नहीं, तू जाएगी ना उससे रेसिपी लेके आ। ठीक है, लाती हूँ रेसिपी उनसे रसगुल्ले की। बाऊ वेट मत रे। हेलो शर्मिला जी। अरे शर्मिला जी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, मुझे क्या होने। वो आपने रसगुल्ले दिए थे ना, वो डब्बा आपका। अरे बाबा, मैं तो ये भूल ही गई थी। हाँ मैं भी भूल जाती हूँ। क्या है ये? उसमें चिवड़ा है। अच्छा शर्मिला जी, काय कराओ या मान सकता, ये पुनेरी चिवड़ा है, पुनेरी चिवड़ा एक बार खा के जरूर देखना। जी जी जरूर खाऊंगी। शर्मिला, मैंने और माँ ने जो बोला था वो पूछना उनसे। ठीक है पूछती हूँ। शर्वरी जी प्लीज एक बार खा के देखना। आपका फेवरेट है ये? हाँ मेरा बहुत फेवरेट है ये चिवड़ा, मैं दिन भर खा सकता हूँ। फिर तो एक बार जरूर खा के देखूंगे। दिन भर खा तेरा भर पाते। हो गया, जाइए अंदर। वैसे शुराक के पापा किस बारे में बात कर रहे थे, क्या पूछना है आपको मुझसे? हाँ वो क्या है, आपने जो रसगुल्ले दिए थे ना, हमारे घर में बहुत पसंद आए सबको, मुझे भी पसंद आए। तो सास माँ बार बार बोल रही थी जाओ मिस ब्यूटीफुल के पास, उनसे रेसिपी लेके आओ कैसे बनाती है। वैसे घर में मैं भी करती हूँ, पर मेरा क्या होता है ना, जो गोले होते हैं ना वो पिघल ही जाते हैं पानी में डालती हूँ, तो कुछ समझ में नहीं आता। आप ज़रा मुझे रेसिपी बता देंगी एक बार? देखिए शर्मिला जी, मैं बताने के लिए बता देती, पर अच्छा होगा कि जब मैं रसगुल्ले करूँ तब आप मुझे देखिए, तो आपके दिमाग में और आएगा। तो आपको क्या कहना है, अगर आप मुझे ऐसे बताओगी तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आएगा, मैं इतनी मंदबुद्धि क्यों? ना ना मैं वैसा नहीं बोल रही, पर आप अगर मुझे लाइव करते हुए देखोगे रेसिपी तो आपके और अच्छे से दिमाग में आएगा। कभी कभी क्या होता है, हम बताते बताते चीज़ें भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ, तो अच्छा होगा कि जब मैं बनाऊँगी तब आना और देख लेना मैं कैसे बनाती हूँ। नहीं नहीं रहने दीजिए, साफ साफ बोलिए ना, आपको मुझे रेसिपी नहीं बतानी, इतना नाटकिया करने की ज़रूरत है? शर्मिला जी आप मुझे फिर से गलत समझ रही हो। कुछ गलत नहीं, अगर आप मुझे रेसिपी बतानी होती तो यूँ बता देती। ठीक है बाबा मैं बता देती हूँ, पर इधर उधर कुछ हो गया तो फिर मुझे मत बोलना। ऐसे कैसे, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं आपको ही पकड़ूंगी, रेसिपी आप नहीं मुझे बताई है। तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ जब मैं करूँगी तब आप आना और चाहे तो वीडियो निकाल के लेके जाना। इससे अच्छा तुम यूट्यूब पे देख लूँ। तो देखो फिर। शर्वरी जी एक बात पूछनी थी मुझे आपसे। बोले ना। देखो शर्माइए मत, आप मेरी छोटी बहन जैसे हो, मुझे साफ साफ बोल दीजिएगा। अभी इतने दिन हो गए, अभिजीत गांव चला गया है, आपको उसकी याद आती नहीं? बोलिए बोलिए, शर्माइए मत। थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं। थोड़ी थोड़ी मतलब बड़ी बड़ी? सच में शर्वरी जी, इसे कॉम्प्लीमेंट समझिए या कुछ और, पर मैं जब भी आपको देखती हूँ ना, मुझे वो देवदास की पारो याद आ जाती है। वो भी कैसे, देव बाबू का इंतजार करती रहती है, उसकी आंखों में वो इंतजार, वही सेम इंतजार मुझे आपकी आंखों में दिखता है। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। मेरे पिया शर्मिला जी, लगता है आप मूवी के सीन में चले गए।
हाँ पिक्चर में खो गई मैं, वैसा ही एकदम सीन चल रहा है यहाँ पर भी तो चले मैं जल्दी हो, पता नहीं कब आएगा, दिन भर परेशान करता रहता था, आ भी जाओ जल्दी। चरवरी जी। क्यों हुआ वॉचमैन? आपके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है। मेरे लिए? हाँ अभी डिलीवरी मैन आया था, इसके ऊपर ना पता है ना नाम है ना कुछ है, उसने कहा ये शर्वरी जी के लिए है, यहाँ पे रखा और चला गया, पता नहीं किसने भेजा है। क्या हुआ शर्वरी जी? पता नहीं, जो वॉचमैन बोल रहा है मेरे लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें एक बार जाके देखना चाहिए। क्या हुआ सुमित्रा? कोलकाता के हीरोइन को किसी ने गिफ्ट भेजा है। आगो भाई क्या है गिफ्ट में? अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। इसके लिए तो हर बार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ ही जाते, इतने क्या फेमस है मुझे समझ में नहीं आता। और ऐसा क्या है इसमें? पता नहीं क्यों दीवाने हैं लोग इसके। मैं घर में कब करूँगी ना, पर मैं करती नहीं, मुझे इतना पसंद नहीं हूँ। जीवन में रखा ही क्या है इतना ठुमकना मटकना, किस लिए? कौन हो सकता है गिफ्ट भेजने वाला? शर्वरी जी क्या पता ये गिफ्ट आपको अभी जितने भेजा हो। ना ना, अगर वो मुझे कुछ भेजता तो एक बार फोन करके जरूर बताता। कोई उस बुढ़े बॉस ने तो नहीं भेजा इस गिफ्ट को? नहीं वो कैसे भेज सकते हैं? क्या है सुमा? मेरी कोयल क्यों कू कू कर रही है? शर्वरी जी को अननोन गिफ्ट आया है। अननोन गिफ्ट क्या होता है? जैसे अननोन नंबर होता है वैसे अननोन गिफ्ट, जिसका कोई आता पता नहीं हो। फोड़ के देखिए इसको यहीं पे। मत फोड़िए, क्या पता उसमें बम बिम हो फूट जाए। शर्मिला जी क्या बोल रहे हो आप? ए कुछ भी क्या बोलती है, शुभ शुभ बोलना। सास माई से बहुत किस्से हुए, हमें ऐसी चीजों को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। सरकार भी बोलती है, सब गवर्नमेंट बोलती है, पुलिस वाले भी बोलते हैं कि ऐसी जो चीजें होती है ना उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसके अंदर क्या हो हमें क्या पता। वैसे बात तो डेवरी ने सही की, मिस ब्यूटीफुल मत खोलो उसको। वैसे शर्मिला भाभी बराबर बोल रही है, मैं सिक्योरिटी हूँ, मैं इसको यहाँ पे खोलने की इजाजत नहीं देता, इसको आप यही पे रखिए। मैं सबको कॉल करके पूछती हूँ एक बार, अगर किसी ने नहीं भेजा तो इसको फेंक देंगे। हाँ ऐसे कैसे फेंक देंगे? अभिषेक आई एम बैक। जी आ गया ये। हेलो आंटी शर्मिला जी, सुमित्रा जी। हाय जोया। आइए जना। आ गया शर्वरी का हीरो। और वैसे भी अभिजीत शर्वरी का हमको शुरू से ही लग रहा था। शर्मिला पर मुझे ऐसा लगता है जेनी अभिजीत को चाहती है, जब भी मैं अभिजीत की बात करती हूँ ना वो ऐसे ब्लश करने लगती है। नहीं सुमित्रा ये गलत हो रहा है, कोई एक डिसाइड कर लो क्योंकि ये अलग ही हो जाएगा मैटर फिर। कौन आया है दीदी? हाय जेनी। अभिषेक शर्वरी संभाल के। संभाल के जेनी, जेनी क्या है ये? सॉरी तुमको दिखता नहीं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, पीछे से भागते हुए आ रही हो तुम। सॉरी शर्वरी। क्या सॉरी? मुझे कुछ नहीं सुनना, बदतमीज कहेगी। शर्वरी तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो, धक्का बहुत थोड़ा सा लगा है। वाह जेनी तुमसे यही उम्मीद थी। यस, क्योंकि सोसाइटी के सारे लोग बोलते हैं कि तुम ओवर रिएक्ट करती हो और मुझे ये दिख भी गया आज। पहले खुद धक्का दो और बाद में दूसरों को ही बुरा बोलो। बड़ी स्वीट बनती फिरती हो सोसाइटी में, दिख गया तुम्हारा स्वीटनेस कितना है। मैं कभी स्वीट बनने की कोशिश नहीं करती, उल्टा स्वीट बनने की कोशिश करती हो तुम कोलकाता की रसगुल्ला। मुझे कोई जरूरत नहीं है स्वीट बनने की, मैं स्वीट ही हूँ। प्लीज प्लीज शांत हो जाओ तुम दोनों। अभिजीत मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, पर उसने जानबूझ के ओवर रिएक्ट किया, इसलिए मुझे करना पड़ा। कोई बात नहीं जेनी, तुम दोनों की गलती नहीं थी।
बाय द वे मुझे काफी अच्छा लगा तुम्हें देख के। सोसाइटी में तहलका मचने वाला है देखना अब। तहलका नहीं, भूकंप आने वाला है अब सोसाइटी में। चिप्स तैयार रखना।